हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीएम लखनऊ काइट्स। और वीएम लखनऊ काइट्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आपके ढेर सारे प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। आप लोग जैसा प्यार कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरे वीडियोज़ को लाइक करते हैं, इसके लिए मैं आप लोग सभी लोगों का दिल से आभारी हूँ। और आप लोग ऐसे ही प्यार को अपने बनाए रखिए, तो मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लाता रहूँगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे कमेंट थे मेरे वीडियोस में रहते हैं। अब सबके कमेंट, सबकी बातें एक वीडियो में नहीं पूरी कर सकता हूं, कोशिश करता हूं कि एक एक करके सबके लिए कुछ ना कुछ करूं। फ्रेंड्स, आप लोग अगर सुझाव देते रहेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि ज़रूर एक एक करके मैं सबकी जितनी कर सकता हूं फ्रेंड्स, सबकी व्यूज़ लाऊँगा। जिस पर आप लोग चाहते हैं वीडियो बनाऊँ, उस पर वीडियो बनाऊँगा। तो इसी कड़ी में फ्रेंड्स, एक सब्सक्राइबर है मेरे जिन्होंने मुझसे कहा था कि कमल सहगल जी, जिन्होंने कहा था कि आप अदनान अली जी की डोर का वीडियो बनाइएगा। तो फ्रेंड्स, उनको कुछ अर्जेंट ज़रूरत थी, तो मैंने इसी कड़ी में अदनान अली जी के डोर मंगाई है और आज मैं उसका आपको रिव्यू दूंगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अदनान अली जी की डोर मंगाई है, ये देखिए अदनान अली जी। और एक और डोर अदनान अली जी की मंगाई है, दो डोर मंगाई है मैंने आज। ये आप करीब से देखिए तो मैं बताऊँ आपको, ये देखिए, ये है 24 कैरेट अदनान अली जी का तिलिस्मी मांझा, और दूसरी है ये इस पर लिखा है ये क्लब फाइटर के नाम से आती है 009। दो डोर हैं। और जल्दी से वीडियो शुरू करता हूँ, देर नहीं करूँगा, क्योंकि आप लोग देखिए मांझा कैसा है अदनान अली जी का। बहुत से लोग तरह तरह की बातें करते हैं, किसी की सुनी सुनाई बात पर मत जाइए। खुद जब तक हाथ में डोर ना आए तब तक आप खुद चेक करिए। बहुत से लोगों को ज़रूरी नहीं है किसी को ख़राब, कभी कभी कोई डोर ख़राब भी एक निकल जाती है, सब एक जैसी नहीं बन पाती हैं फ्रेंड्स। तो ऐसा नहीं कि एक अगर डोर ख़राब निकल गई तो सारी डोरें ख़राब हैं। देखिए ये अदनान अली जी का रैपर है, और ये यहाँ पे इनका नंबर डिस्प्ले हो रहा है। ये नंबर मैं विशेष रूप से दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं बताऊँगा क्यों दिखा रहा हूँ ये नंबर। ये नंबर अदनान अली जी का है। देखिए फ्रेंड्स, जब मैं डोर उड़ाता हूँ, आज बहुत अच्छा बात थी कि मेरा पतंग का एक मैच भी था, तो मैंने इस डोर को मंगाया था, आ गई थी मेरे पास, तो मैंने इसी से आज पेच लड़ाया है। और जब मैं पेच लड़ाता हूँ तो उसके बाद रखने के लिए मैं अपनी जितनी भी चरखियाँ हैं सब पे ऐसे कागज़ लपेट के तभी उसको बंद करता हूँ। तो इसके रैपर सब फ्रेंड्स खो गए थे, ये देखिए एक रैपर बचा है, ये अदनान अली जी का 24 कैरेट। अब मैं आपको डोर दिखाता हूँ, 1, 2, 3 पे बनी हुई डोर है, 6 कॉर्ड पे फ्रेंड्स, मैदान के लिए बिल्कुल परफेक्ट डोर है। और जैसे मैं सबसे कहता हूँ, वैसे मैं भी डोर को छू के ही पता कर चलता है कि डोर की क्या क्वालिटी है। मैं बताऊँगा ज़रूरी नहीं है, जब आपके हाथ में आएगी और आप डोर को छूओगे तब पता चलेगा कि डोर में क्या क्वालिटी है। मैं बताता हूँ कि जो ये 24 कैरेट है फ्रेंड्स, बहुत ज़बरदस्त डोर बनाई है, बहुत ज़बरदस्त बनाई है। बस एक ही बात इसमें कमी है, वो कमी मैं ये कह सकता हूँ फ्रेंड्स, थोड़ी सी महंगी डोर है ये। मुझे 6 रील जो है फ्रेंड्स 1750 रुपये की, और 12 रील ऐसे ही होगी 3500-3600 रुपये की फ्रेंड्स। अदनान नंबर मैंने दिखाया है, आप लोग अदनान अली जी से डायरेक्ट फ़ोन करिए और डायरेक्ट मंगाइए। थोड़ी महंगी रील है इसलिए डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, आप डायरेक्ट मेकर से मंगाइए ताकि आपको ओरिजिनल डोर मिले, और बहुत बेहतरीन क्वालिटी है इस डोर को। अभी तक मैंने जितनी भी डोरें मेरे हाथ में आई फ्रेंड्स, मैं छू के पता कर लेता हूँ कि डोर कैसी है, आप लोग बताता हूँ। आप देखिए छल्ले जो आजकल लोग कुछ लोग दिखाते हैं, मैं भी दिखाता हूँ, लेकिन छल्ले का उतना मतलब नहीं है, बहुत सस्ती डोरों में भी छल्ले बन जाते हैं, लेकिन छल्ला बनना खाली डोर की क्वालिटी नहीं बताता है। इस डोर को जब मैंने छुआ तो फ्रेंड्स मुझे एक बार में पता चल गया कि इस डोर को ऐसा लग रहा है कि कई बार बहुत दबा के इस पर कोटिंग की गई है, कई बार, मतलब मैं मुझे नहीं पता कितनी बार की, लेकिन और डोरे जितनी हैं उनसे ज़्यादा कोटिंग है इस पर, ये मैं कह सकता हूँ। बहुत बेहतरीन, जब आपके हाथ में आएगी तो आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या क्वालिटी है डोर की। बहुत शानदार है, आप देखिए बहुत शानदार।
स्मूथनेस और बहुत महीन कांच है। इसमें शैम्पेन का कांच इस्तेमाल किया गया है फ्रेंड्स, और बहुत ही शानदार कांच इस्तेमाल किया गया है, मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। बहुत ही प्यारी डोर है ये, एक नंबर क्वालिटी में है, अदनान अली जी का 24 कैरेट फ्रेंड्स। ये वो डोर है जो जल्दी नहीं कटेगी फ्रेंड्स, आप ये मान लीजिए कि अगर आप थोड़े से भी अच्छे लड़ाने वाले हैं फ्रेंड्स तो इससे कह के पेंच काटेंगे आप। बाकी कटती सब डोर है, कोई डोर ऐसी नहीं बनी है फ्रेंड्स जो ना कटे। ये ऐसा कोई डोर मैं नहीं कह सकता, मैं इस डोर से भी कट सकता हूँ, लेकिन ये ज़रूर ये है कि ये आप इससे अगर उड़ाएंगे तो आप ये, मैं ऐसे एवरेज बता दूं कि आप समझ लिए आपको 10 पेंच लड़ाएंगे फ्रेंड्स तो आप 8 काट देंगे अगर थोड़ा सा भी आपके अंदर हुनर है, क्योंकि बहुत शानदार डोर है, बहुत शानदार। मैंने पेंच लड़ाया था इससे, आज मेरा मैच था, मेरी पहली दो पतंगे कट गई फ्रेंड्स। उसके बाद मैंने अदनान अली जी की डोर थी मेरे हाथ में, मैंने कहा लाओ इसको ट्राई करता हूँ, और जो रिज़ल्ट रहा है इसका मैं बता नहीं सकता हूँ। 5 पेच मैंने काटे हैं और उसके बाद मेरी पतंग टूट गई, फट गई थी थोड़ी सी, फटने के बाद पतंग टूट गई, वो गिर गई नीचे। तो बहुत शानदार रिज़ल्ट रहा है, और फंसा के लड़ाने के लिए फ्रेंड्स, जिसको हर आदमी अपने तरीके से लड़ाता है, मैंने इसको फंसा के लड़ाया और मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है, बहुत अच्छा। अदनान अली जी का 24 कैरेट, जैसा इसका नाम है 24 कैरेट, ये 100% 24 कैरेट की तरह ही बनाया गया। जैसे 24 कैरेट सोना आप ख़रीदते हैं बहुत अच्छा होता है, क्वालिटी होती है उसकी, वैसे ही इस डोर को जो नाम रखा है इसका, वो 24 कैरेट बिल्कुल उपयुक्त है। अब इसका एक नाम और भी है, तिलिस्मी मांझा। तो तिलिस्मी मांझा क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, शायद कोई बता ना पाएगा, मैंने अनुभव किया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आज एक पेंच लड़ाया था फ्रेंड्स, और लगभग 1200 मीटर पे था, मेरा पेंच फंसा चल रहा था, काफ़ी देर हो गई, 5-7 मिनट हो गए थे पेंच फंसा था। उसके बाद मेरी पतंग दिखना बंद हो गई थी, तो जब दिखना बंद हो गई तो मैंने उस पतंग को खींचना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने कहा कुछ समझ में नहीं आ रहा, जब दिख ही नहीं रही पतंग तो मैं क्या करूं। तो उसके बाद मैंने उसको खींचना शुरू कर दिया, और आपको पता है फंसी पतंग में जब पेंच फंस के लड़ रहा होता है, ढील पे चल रहा होता है पेंच, तो फ्रेंड्स अगर जो खींचेगा वो कट जाएगा। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मैंने इसको फंसी पतंग पे खींच के पतंग को काट दिया। जैसे ही मैंने काटा तभी मुझे अनुभव हो गया कि इसका नाम तिलिस्मी मांझा क्यों रखा गया है। जो तिलिस्मी इसको कह रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट कह रहे हैं, ये तिलिस्मी ही है। जब आप लड़ाएंगे तो आपको इसका अनुभव हो जाएगा फ्रेंड्स, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, एक बार ज़रूर ट्राई करिए। बहुत बढ़िया डोर है, बहुत ही अच्छी है, महंगी डोर है। नॉर्मल पेज के लिए मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि 1750 रुपये में 6 रील बहुत महंगी डोर है, लेकिन जैसी डोर है इसके आगे मैं तो नहीं कहूँगा कि ये पैसा इसके लिए कुछ नहीं है जो डोर इन्होंने बनाई है। मैं फिर से मंगाऊँगा और फिर आपको बताऊँगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं भी जब ख़रीदता हूँ मांझा, जैसे आप लोग वीडियो मेरा सुन रहे हैं, मुझे भी लगता है कोई ऐसा वीडियो बनाए जिससे मुझे जानकारी हो, ताकि मेरा पैसा ना बर्बाद हो, कोई अच्छी डोर मिले मुझे। तो अब क्या कहूँ मैं, गारंटी आपसे क्या कहूँ फ्रेंड्स, लेकिन मुझे बेहद पसंद आई है फ्रेंड्स। अगर मुझे लेना होगा तो एक मिनट की देर नहीं करूँगा अदनान अली जी के 24 कैरेट के लिए। अदनान अली जी बहुत शानदार डोर है, अगर आप कभी भी मेरा वीडियो देखिएगा सुनिएगा तो मैं बता दे रहा हूँ कि आपने जो काम किया है काबिले तारीफ काम है उसमें, बहुत ही बेहतरीन, एक नंबर। एक और अदनान अली जी का ब्लॉक है मेरे पास, तो इसको भी खोल देते हैं जल्दी से। देखिए इसमें भी मैंने वैसे ही कागज़ लगा के रखा है, और ये देखिए फ्रेंड्स अदनान अली, और इसको आप करीब से देखेंगे तो आप देख सकते हैं बल खुली हुई डोर है, बिल्कुल बल खुली हुई। देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छा काम करते हैं जैसे इनके कारीगर, जैसे जो बनाया गया है बहुत ही शानदार बल खुली डोर है, और छल्ले पूछने कड़कपन इतना है डोर में कि कुछ कहना ही नहीं है, इतनी बेहतरीन डोर है ना फ्रेंड्स कि आप देखिए बिल्कुल बेहतरीन। देखिए इतना कड़कपन है, और इसमें कांच मुझे उससे थोड़ा और ज़्यादा लग रहा है। ये मेरे हिसाब से जो 009 है, अगर आप लोग इसको लेते हैं फ्रेंड्स तो आप लोग इसको
खींच के लड़ा के देखिएगा, ये मेरे हिसाब से खींचने के लिए बहुत अच्छी है। और फंसा इनकी डोरें दोनों ऐसी हैं जो आप कैसे ही यूज़ करिए, मुझे लगता है इसका रिज़ल्ट बहुत शानदार होगा, आप चाहे जैसे इसको यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, अदनान अली जी की डोर जो 009 है, इसकी क्वालिटी भी बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा कांच है, इसमें भी शैम्पेन का कांच इस्तेमाल किया गया है फ्रेंड्स, और बहुत अच्छा वर्क है दोनों का। मुझे दोनों डोरें बहुत पसंद आई हैं, बिल्कुल बल खुली हुई डोर है और इतना शानदार है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ दोनों डोरें। और दोनों डोरों की कीमत भी एकदम आसपास है फ्रेंड्स, आप लोग जिसको भी चाहिए हो फ्रेंड्स तो आप अदनान अली जी से बात करिए और उनसे डायरेक्ट कहिए, क्योंकि मैं इसको मार्केट में अगर आपको डुप्लीकेट मिल जाएगी तो बड़ी महंगी है और डोर है और आपका नुकसान हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट अदनान अली जी को फ़ोन कर सकते हैं और वो आपको सारी डोर के रेट बताएंगे और कैसे भिजाएंगे वो सब बता देंगे आपको। मैंने उन्हीं से डायरेक्ट मंगाई थी, मैंने मार्केट से इस डोर को नहीं लिया है मैंने, और उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को चाहिए हो तो आप डायरेक्ट बात करिएगा। जो 009 क्लब फाइटर है वो भी बहुत शानदार है, मुझे बहुत वो भी डोर बहुत अच्छी लगी, बहुत ज़बरदस्त कांटा लगाया है, बहुत ज़बरदस्त। अगर आप लड़ाने वाले हैं ना तो कह कह के काटेंगे, कहने की सवाल ही नहीं, कटने का डोर सवाल ही नहीं उठता है फ्रेंड्स। लेकिन फिर मैं बता दूं, मुझे 24 कैरेट इनकी बेहद पसंद आई है, बिल्कुल तिलिस्मी मांझा है, एक बार तो बनता ही है फ्रेंड्स कि आप 3 रील मंगा के ज़रूर ट्राई करिए। अदनान अली जी को फ़ोन करिए, उनसे कहिए कि 3 रील मुझे दीजिए और वो आपको बताएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स। अगर आपके मन में कोई शंका है, हो सकता है मैं सारी बातें नहीं बता पाया हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, जितना मुझे समझ में आती है मैं अपने हिसाब से बता देता हूँ फ्रेंड्स। आपको अगर कोई बात छूट गई होगी तो पूछिएगा मुझसे, मैंने ये नहीं बताया उसमें तो मैं बताऊँगा आपको। और अगर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोज़ को लाइक करिएगा और अगर हो सके तो शेयर भी करिएगा फ्रेंड्स। और भी मैंने वीडियोस बनाए हैं जो आपको मिल जाएंगे मेरे वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स।